दीपक भदौरिया बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि बालोद से है, जहां पर हत्या के आरोपी पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। दरअसल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि आरोपी को उनके हवाले कर दिया जाए। जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, तब गुस्से में ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर दिया, लेकिन पुलिस आरोपी को लेकर मौके से निकलने में कामयाब रही। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बालोद से, जहां पर पुलिस की गाड़ी पर ही लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी, वहीं हत्या का ये आरोपी है पुलिस का, यहां पर जो जत्था पहुंचा था, ये टीम पहुंची थी उसे पकड़ने के लिए, लेकिन यहां पर जनता का कहना था कि उसे हमारे हवाले कर दीजिए, लेकिन पुलिस उस आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और गुस्से में ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी पर इसकी वजह से पथराव किया, लेकिन पुलिस आरोपी को लेकर मौके से निकलने में कामयाब रही। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस पार्टी की इस गाड़ी को महिलाओं ने घेर रखा है। हत्या का ये आरोपी है जिसे लोग खुद सजा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे पुलिस से खुद के हवाले करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने नहीं किया, जिसके बाद यहां पर लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिस पार्टी पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद यहां पर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस गाड़ी को लेकर निकली और उस जो आरोपी था उसको सही सलामत मौके से निकालने में कामयाब रही। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से ये महिलाएं विरोध कर रही हैं और रास्ता रोके हुए खड़ी हुई हैं। हत्या का ये आरोपी था जिस पर ग्रामीण हद से ज्यादा नाराज थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे, सजा देना चाहते थे, जिसकी वजह से वो पुलिस पार्टी पर भड़क गए और यहां पर पथराव कर दिया। उन्होंने पुलिस पार्टी पर, उनकी गाड़ियों पर पथराव किया, लेकिन आरोपी को पुलिस से निकालने में कामयाब रही इस भीड़ से। बालोद से पूरा मामला है, जहां हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी, जहां आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही पुलिस टीम निकलनी चाही तो लोगों ने घेर लिया और पथराव करने लगे। अधिक जानकारी से संवाददाता जुड़ गए हैं रोहित चंदेल। रोहित, क्या पूरा मामला था और किस वजह से ये सभी लोग पथराव कर रहे थे? हालांकि बताया जा रहा है कि वो आरोपी को अपने हवाले चाहते थे। जी, ये पूरा मामला बालोद जिले के सकरौत गाँव का है ना। यहाँ जो एक विक्षित व्यक्ति का व्यक्ति है जिसका नाम है शत्रुघ्न ढहरे, उसने वो एक युवक को टंगिया से मारकर घायल किया। इस दौरान जो पहुंचाने पहुंचे थे दो युवक, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया, जो गंभीर स्थिति में जिन्हें जिला अस्पताल में ले गया गया है। और इस बीच जब पुलिस प्रशासन जब वहां पहुंची आरोपी को गिरफ्तार करने, तब पुलिस के ऊपर भी वो आरोपी को अपने कब्जे में ले लिए थे पुलिस प्रशासन ने, लेकिन उस बीच में ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया कि ये इसे हमारे हवाले करो, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। बिल्कुल, पुलिस पार्टी पर जब पथराव किया गया, किसी की गिरफ्तारी किसी ग्रामीण से हुई? ग्रामीण की अभी भी तनाव की स्थिति है। पुलिस फोर्स पूरी, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा और बल बुलाया गया है जिले से, उन्होंने पूरे गांव को अपने अंदर में ले चुके हैं और जो तोड़फोड़ की गई है गाड़ियों में, उसके लिए भी जाके पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी लोगों को देखा जा रहा है, खोजा जा रहा है जिन्होंने तोड़फोड़ किया। चलिए, जानकारी के लिए रोहित, शुक्रिया आपका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का